खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। देश की सीमा पर सेना जिस अदम्य साहस के साथ देशवासियों की रक्षा करती है, उसी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स ने अपना फर्ज निभाया है। इसी जज्बे को सलाम करने के लिए आज सेना ने पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में भी दो जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया कार्यालय में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सैनिटाइजर कर्मी और ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। बात करें मेरठ पुलिस की, तो लॉकडाउन में मेरठ पुलिस ने अपने कार्य से पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया है, जिन्होंने इस काल में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पुलिस लाइन में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया के डिप्टी जीओसी अनमोल सूद पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर पुलिस को उन कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी, जिन्होंने सड़क पर खड़े होकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी जीओसी ने कहा कि यह वे लोग हैं जिन्होंने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद सड़क पर रहकर लोगों को घरों में रहने की ताकीद की है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स का सीना गर्व से फूल गया और माना जा रहा है कि अब ये लोग और जोश और जज्बे के साथ अपने फर्ज को अंजाम देंगे। तो देश के प्रति प्रतिबद्धता साबित करता है और सभी लोग एकजुट होकर इस महामारी से, वैश्विक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके प्रति एकजुटता का संदेश है और ये बड़ा ही सराहनीय है और निश्चित तौर से इसे पुलिसजनों को कार्य करने में और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी और मेहनत से काम करेंगे। निश्चित तौर पे जो भी इस तरह का अप्रिसिएशन होता है तो वो निश्चित तौर से अंदर से एक नई तरह की ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे काम करने का हौसला बढ़ता है और विपरीत परिस्थितियों में भी काम पूरे हिम्मत और हौसले के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आदमी करता है। निश्चित तौर से इस तरह के कदम हमेशा उत्साह पैदा करते हैं और काम करने की नई उम्मीद और नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरठ में एक तो पुलिस लाइन में आयोजन हुआ है और दूसरे कैंटोनमेंट इलाके में उनका जो जीओसी साहब का ऑफिस है वहाँ पर डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को वहाँ पर बुला के सम्मानित किया गया है और निश्चित तौर पे इससे तीनों विंग को काम करने में, ये फ्रंटल आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनको उत्साह बनेगा, प्रेरणा मिलेगी और जज्बे के साथ काम करेंगे। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।